स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। साल 1988 में आई सुपरहिट फिल्म खून भरी मांग में नेगेटिव किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर कबीर बेदी ने फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया है। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी ने बताया कि फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने उन्हें खून भरी मांग फिल्म के लिए क्यों सेलेक्ट किया था। कबीर बेदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में कहा कि निर्माता निर्देशक ने उन्हें खलनायक के रोल के लिए परफेक्ट बताया था। कबीर ने कहा, फिल्म में जब मुझे रोल ऑफर हुआ तो मुझे ये पसंद आया और मैं चाहता था कि ये रोल बहुत डरावना और खतरनाक हो। इसमें काफी हद तक मैं सफल भी रहा। मैं टॉम सेलर के साथ एक सीरीज के लिए उस समय अमेरिका में था और शूटिंग को पूरा करके मैं समंदर किनारे बैठा था। एक्टर ने बताया, इस बीच मुझे राकेश रोशन का फोन आया और उन्होंने कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूं और मैं तुम्हें हीरो के तौर पर लेना चाहता हूं। इस पर मैंने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या बॉलीवुड में एक्ट्रेस के लिए कोई स्ट्राइक है जो आप मुझे बुला रहे हो? कबीर ने आगे कहा कि मेरी इस बात पर उन्होंने बताया कि फिल्म में हीरो बाद में विलन बन जाता है और अगर मैं दूसरा हीरो लेता हूं तो वो ये फिल्म नहीं कर पाएगा। सिर्फ तुम ही हीरो और विलन दोनों बन सकते हो। इसके बाद एक्साइटेड कबीर ने फिल्म में एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री के बारे में पूछा और राकेश ने बताया कि फिल्म में रेखा है। कबीर ने कहा, मैंने जब रेखा का नाम सुना तो बहुत खुश हो गया। फिर क्या था, मैंने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उस समय रेखा बॉलीवुड की क्वीन थी। एक्टर ने कहा, जब राकेश रोशन जैसे सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स कहते हैं कि मुझे रेखा के साथ काम करना है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। 78 साल के एक्टर ने मजाक में कहा कि मैं वापस आया और फिल्म की रेखा को मगरमच्छों की ओर धकेला और फिर मैं सीरीज की शूटिंग के लिए वापस चला गया। 1988 की हिट फिल्म खून भरी मांग ऑस्ट्रेलियाई सीरीज रिटर्न टू ईडन पर बनी थी। इसमें रेखा एक अमीर लड़की की भूमिका में रहती हैं, जो कि कम उम्र में ही विधवा हो जाती हैं। फिल्म में रेखा के दूसरे पति यानी कि कबीर बेदी षड्यंत्र करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, हालांकि वो इसमें असफल हो जाता है और रेखा अपने दूसरे पति कबीर बेदी से बदला लेने के लिए एकदम बदले हुए अंदाज में वापस आती हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दर्शकों से काफी प्यार मिला। तो ये था कबीर बेदी का फिल्म खून भरी मांग से जुड़ा हुआ वो किस्सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना, अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते, फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेज, प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप।